खड़ी होने के नाते ये बड़ा दर्द है कि जहाँ 3,000-4,000 किराया होता था, जब छठ आता है तो एयरलाइन को लगता है कि बिहारियों को लूटने का ये मौका आ गया है। अगर आपको गुडविल कमानी है तो आप त्यौहार के वक्त में फ्लाइट बढ़ाइए, न कि किराया बढ़ाइए। बिहार में इतना किराया क्यों बढ़ता है, इस सवाल को उठाना हम अपना फर्ज समझते हैं। त्योहारी सीजन में नौकरी पेशा और स्टूडेंट्स त्योहार मनाने के लिए अपने अपने घरों को लौटते हैं। वक्त बचाने के लिए ये लोग फ्लाइट से ट्रैवल करना पसंद करते हैं। ऐसे में ट्रैवल कंपनियां भी मौके का फायदा उठाने से बिल्कुल भी नहीं चूक रही हैं। आपको मालूम है कि दिवाली में तकरीबन एक हफ्ते और छठ पूजा में तकरीबन दो हफ्ते का समय बाकी, लेकिन अभी से ही ट्रेनों में टिकट की मारामारी शुरू हो गई। वहीं दूसरी तरफ हवाई जहाज के टिकटों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। हवाई जहाज के टिकटों के दामों में तकरीबन 2.5 से 3 गुना के बीच इजाफा हुआ है। यानी कि बिहार जाने वालों की त्योहारों के वक्त जेब जमकर ढीली हो रही है। अब इसी पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन। शाहनवाज जी, छठ है, दिवाली है, छठ तो बिहार की जनता के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है। ऐसे में लोग बहुत व्यथित हैं, जिस तरीके से ये टिकट्स महंगी हो रही हैं, ट्रेन के अंदर जो है वो रिजर्वेशन हमेशा नहीं हो पाती है लोगों की, क्योंकि लोग बहुत ट्रेवल करते हैं। तो ऐसे में क्या करना चाहिए सरकार को, आपको लगता है, सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को? नहीं, देखिए, एक बिहारी होने के नाते ये बड़ा दर्द है कि जहाँ 3,000-4,000 किराया होता था, जब छठ आता है तो एयरलाइन को लगता है कि बिहारियों को लूटने का ये मौका आ गया है, क्योंकि उनकी धार्मिक भावना है, वो जाएंगे जरूर, जाएंगे तो जहाज का किराया बढ़ जाता है। जहाँ 3,000 किराया होता है, 17,000-20,000 किराया हो गया, जानबूझकर किराया बढ़ा दिया जाता है। हर छठ के मौके पर यही होता है। भारत सरकार तो अलग से ट्रेन चलाती है, पूरा इंतजाम करती है, वो तो किराया नहीं बढ़ाती, लेकिन जब से प्राइवेट एयरलाइन है उसको ऐसा क्यों लगता है? अगर आपको गुडविल कमानी है तो आप त्योहार के वक्त में फ्लाइट बढ़ाइए, न कि किराया बढ़ाइए। आज जितना किराया बढ़ गया है दिल्ली और पूरे देश में, लोग जो बिहार के लोग रहते हैं वो छठ पे जरूर जाते हैं, और सब लोग फोन कर रहे हैं। फायदे की मंशा से बढ़ाया गया है? नहीं, फायदा हो तो एक अलग बात है, लूटने की मंशा से है कि बिहारियों को लूट लो, छठ का उनकी धार्मिक भावना को लूटो। चलो, बिहार के अंदर छठ का मौका है, जितना लूट सको तो लूट लो। मैं नागरिक उड्डयन मंत्री जो है ज्योति आदित्य सिंधिया जी से बात करूंगा कि वो इन एयरलाइन को जरूर कहें कि वो बिहार एक गरीब राज्य है, पिछड़ा राज्य है, और वहाँ पे किराया, क्योंकि बिहार के लोग छठ पे जाएंगे इसलिए बढ़ा दिया जाता है। छठ पे तो फ्लाइट बढ़ानी चाहिए, सुविधा बढ़ाना चाहिए। अगर कोई भी आप दुकान पे चले जाए तो दिवाली और छठ पे उनके यहाँ सेल लग जाती है, चीजें सस्ती हो जाती है। एक एयरलाइन अलग बिजनेस है जो ताक लगाए बैठा रहता, कब त्योहार आएगा, कब बिहार के लोग जाएंगे। तो आखिर दुर्गा पूजा पे कलकत्ता जाने में तो किराया उतना नहीं बढ़ता, और हमारे यहाँ भी दुर्गा पूजा बड़ी धूमधाम से होता है, दिवाली सब जगह होती है, तो सिर्फ बिहार में ही इतना किराया क्यों बढ़ता है, इस सवाल को उठाना हम अपना फर्ज समझते हैं। बिहार में एक एयरपोर्ट है पटना और गया और दरभंगा, ये तीन एयरपोर्ट है। दरभंगा में भी फ्लाइट बढ़ाना चाहिए, ये गया में भी फ्लाइट बढ़ाना चाहिए छठ के मौके पे, और पटना में भी फ्लाइट बढ़ाना चाहिए। तो ये लोग फ्लाइट नहीं बढ़ाते, किराया बढ़ा देते हैं, इससे बिहार के लोग बहुत आहत हैं। इसलिए मैं इस बात को उठा रहा हूँ और नागरिक उड्डयन मंत्री से भी इस बात को रखूँ। अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ होता है। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा की रिपोर्ट, बिहार तक।